My name is Raghav and I'm the national level mountain biker, and right now I'm working as a product leader with OMOBikes. And today I'm going to explain the every part of your bike, because the reason behind it, जब भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अगर वो अपने टेक्नीशियन से ऑन कॉल कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो किसी बाइक के स्पेसिफिक पार्ट ना पता होने की वजह से वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाता है। और चलिए मान भी लेते हैं कि अगर आप अपने टेक्नीशियन से ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं हो, बट कभी भी आपको अपने बाइक के लिए या आपके बाइक को किसी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए आप कुछ भी नेट पर सर्च करते हो तो आपको पर्टिकुलर वर्ड पता ना होने की वजह से आप उसको आसानी से ढूंढ नहीं पाते। सो दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ टोटली डेडिकेटेड टू ऑल काइंड ऑफ पार्ट्स रिलेटेड टू योर बाइक, स्पेशली बेसिक बाइक्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम बचपन में जब अपने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते थे तो या तो उसको ऊपर से शुरू करते थे या तो उसको नीचे से शुरू करते थे। तो यहाँ साइकिल में भी जो है हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, हम इसको आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर हम किसी साइकिल के बारे में बात करें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है व्हील, उसके बाद होता है आपकी ब्रेकिंग, उसके बाद होती है आपकी जो है हैंडलिंग, उसके बाद आता है आपका फ्रेम, और उसके बाद आता है आपका ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हील से। अगर हम व्हील की बात करें तो इस वाले पार्ट को हम रिम बोलते हैं। रिम के बाद आ जाते हैं आपके स्पोक्स, और उसके बाद ये कनेक्टेड होता है आपके हब से, जो कि ये वाला होता है। यानी हब, स्पोक्स और रिम, ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं रिम के ऊपर, होता है एक रिम टेप। रिम टेप के बाद होती है आपकी ट्यूब। रिम टेप हमेशा एक बैरियर का काम करता है जो आपके मेटल पार्ट को आपके ट्यूब से टच होने से बचाता है और आपकी ट्यूब पंचर होने से बची रहती है। उसके बाद आता है टायर। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हील। आपका व्हील कंप्लीट हो जाता है, और व्हील के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये रोटर होता है। अगर आपकी साइकिल में डिस्क ब्रेक है तो हमेशा आपको ये रोटर दिखाई देगा, उसके बाद आपको ये कैलिपर दिखाई देगा, और इसे कनेक्टेड होता हुआ ये लीवर। ये टोटल डिस्क ब्रेक्स हैं। डिस्क ब्रेक दो तरह के होते हैं जनरली, एक होता है हाइड्रोलिक, एक होता है मैकेनिकल। राइट नाउ हम जो साइकिल देख रहे हैं इसमें एक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं। तो आपकी व्हील और ब्रेकिंग कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू द अपर पार्ट। ये आपका जो है सस्पेंशन है, कुछ लोग इसको शॉकर भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बट अगर ये रिगिड है, रिगिड फोक है, तो उसको चिमटा भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो दिस इज़ कॉल्ड सस्पेंशन, फोर्क, चिमटा, कुछ भी कह लो आप। उसके बाद थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है ये आपका हैंडल बार ग्रिप, उसके बाद आ जाता है आपका हैंडल बार, उसके बाद आ जाता है आपका स्टेम। ये जो हिस्सा होता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये बिल्कुल आपके जूते के पैर की तरह होता है, ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। और इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं हेडसेट, जो इसके अंदर आपके इस स्टेम को पकड़ के रखता है, आपके इस हैंडल के इसको पकड़ के रखता है। फ्रेम को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जिस तरीके से हम अपने स्कूल टाइम में हम अपने स्केलेटन के बारे में पता होता है कि उस पर पूरी बॉडी स्ट्रक्चर टिकी होती है, ठीक ऐसे ही आपके फ्रेम पे आपकी पूरी साइकिल के कंपोनेंट्स टिके होते हैं। सो इसको हम बोलते हैं टॉप ट्यूब, इसको बोलते हैं डाउन ट्यूब, इसको बोलते हैं सीट ट्यूब, इसको बोलते हैं सीट स्टे, इसको बोलते हैं चेन स्टे। इस पर आपका पूरा फ्रेम कंप्लीट हो जाता है। आप किसी भी तरह की साइकिल देख लो, चाहे वो बच्चों की हो, एडल्ट्स की हो, या फिर कैसे भी हो, वो यही बेसिक जो है पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। फिर आ जाते हैं आपके ट्रांसमिशन पे। दोस्तों, ट्रांसमिशन ही पूरी साइकिल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। साइकिल स्टार्ट हुई नहीं कि अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं क्रैंक, इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्रैंक आर्म। लेकिन कुछ लोग इसको ड्राइव साइड भी बोलते हैं और उसको बोलते हैं नॉन ड्राइव साइड, क्योंकि इस साइड जो है चेन लगी होती है तो उसको ड्राइव साइड बोलते हैं और वो नॉन ड्राइव साइड होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आ जाती है आपकी चेन, उसके बाद आ जाता है आपका फ्री व्हील। ये एक सिंगल स्पीड बाइक है इसलिए इसको हम फ्री व्हील बोलते हैं, लेकिन जब भी आप गियर वाली बाइक लेते हैं तो उसमें ये 7 स्पीड से लेकर के 11 स्पीड तक हो सकती है, जिसको हम फ्री व्हील बोलते हैं या कैसेट बोलते हैं, कुछ लोग नॉर्मल लैंग्वेज में स्प्रॉकेट भी बोलते हैं। तो ये आपका फ्री व्हील हो गया, व्हील जो कि मैं ऑलरेडी पहले से समझा चुका हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका सीट पिलर, सीट पोस्ट भी बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं सीट बेड। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो इसको खजाना बोलते हैं, आप ये कह के मांग सकते हो इसको। उसके बाद आ जाता है आपका सीट, और इसके बाद आ जाता है आपका क्लैंप, ये आ जाता है आपका पैडल। सो कुल मिला जुला करके ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको हम कंबाइन करते हैं तो एक पूरी साइकिल खड़ी हो जाती है। बट उसके बाद भी अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप नीचे कमेंट में लिखना, मैं आपको पूरी प्रॉपरली तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँगा, या एक नया वीडियो अगर बनाना पड़े तो वो भी आपको बना देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड।
ride hard and ride safe. Thank you very much.